विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार जहां हरियाणा में इस समय सियासत गरमाई हुई है, आज जो है हम कलायत में पहुंचे हैं जहां आज नामांकन जो है वो अनुराग ढांडा की तरफ से आज फाइल किया गया है। यहां के जो लोग हैं हम उनसे बात करते हैं कि आखिर उन लोगों का क्या कहना है, वो क्या सोच के इस बार कर रहे हैं। सर, कलायत में आप लोग कलायत के ही रहने वाले हैं? अब लगातार चुनाव रैलियां चल रही हैं और पार्टी की तरफ से जो दावे वादे किए जा रहे हैं, आप किस तरीके से देखते हैं? अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए, इस बार आम आदमी पार्टी भी पूरे तरीके से चुनाव मैदान में उतर चुकी है, आप किस तरीके से इस बार क्या बदलाव के रूप में इस पार्टी को देखते हैं? देखो मैम जी, पहले तो हम ये बात करते हैं कि आम आदमी पार्टी बहुत बढ़िया पार्टी है, पंजाब में भी काम किया है, दिल्ली में भी काम किया है और हरियाणा में भी किएगी। जो पार्टी और हैं उन पार्टियों ने काम नहीं किया, हमने वोट भी दे के देख रखे हैं, उन्हें तो खुद ही अपना लहू पिया है, आम आदमी के, किसान के, जमींदार के या खिलाड़ी हो गए साथ बहुत अत्याचार किया उसकी वह सरकार, तो हम किसी हाल में भी लाना नहीं चाहते हैं। आने भी चाहिए जो हमारे किसानों पर और जो जवानों पर इतना अत्याचार कर रही है, फौजियों पर कर रही है, फौजियों की 4 साल की कर दी या चार साल के लिए वन शहीद होने के लिए जाते हैं क्या? वहाँ पर अपने देश के लिए जाते हैं हमें, जैसे थोड़े 4 साल में गए शहीदों के घर पर आ गए, सभी जमींदार आगे बैठे हैं हमें, इसलिए आम आदमी पार्टी है जो ये आम बंदों के लिए, किसान के लिए, जमींदार के लिए, फौजी के लिए, ये सारे के लिए अपना रूल एक ही करेगी। देखना कि अजी आदमी अच्छे है, पार्टी ठीक है, यही भला करेगी किसानों का भी, मजदूरों का भी। कैसे भला चाहते हैं आप हरियाणा में अपना? अपना भला जी यही महंगाई ना कट तोड़ दी, महंगाई कम हो जाओ है, अपने बेरोजगार मिल जाओ, ऐसे ऐसे चाहिए बेरोजगारी खत्म की जाए। आपसे जानना चाहेंगे, आप भी यहाँ पहुँचे हैं, रैली में शामिल हुए आज ढांडा जी की तरफ से, हालांकि वो, लेकिन आप क्या देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं हरियाणा में जो बदलाव के रूप में अब जो है रैलियाँ चल रही हैं, आप क्या समझते हैं? मैडम मैं पहले तो आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, मैं लगातार 18 साल से बीजेपी पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूँ। अच्छा। और एक और जो विशेष बात आपके चैनल के माध्यम से मैं बताता हूँ, जब कोई कार्यकर्ता पार्टी छोड़ता है तो पार्टी की नीतियों से निराश होकर छोड़ता है, और जब कोई नेता पार्टी छोड़ता है तो उसको अपनी टिकट नहीं मिलती तो उस टिकट के लिए पार्टी को छोड़ता है, वो स्वार्थी होता है, कार्यकर्ता मेहनती होता है, काम करने वाला होता है। तो जो बीजेपी पार्टी की नीतियाँ थी वो लगभग कार्यकर्ता के लिए, कार्यकर्ता के पक्ष में नहीं थी। आप देखोगे लगातार 10 साल से बीजेपी का शासन है और आपकी कवरेज लगातार चलती रहती है, आपने देखा होगा बीजेपी का कार्यकर्ता बहुत मायूस और निराश है। कारण क्या है? इसका कारण ये है मैडम, जो बड़े नेता होते हैं, लीडरशिप होती है, वो कार्यकर्ता के पास लगते नहीं। खट्टर साहब 9.5 साल तक किसी कार्यकर्ता को नहीं मिले, लास्ट में जाते हुए ये चन्नी के रूप में नायब सैनिक को हमारे बीच में रख दिया। तो मैडम यदि बच्चों के भविष्य की तरफ देखना है, स्वास्थ्य की तरफ देखना है, तो आम आदमी पार्टी से बड़ा कोई हमारे लिए मौका नहीं है। यहाँ लगातार जो लोग हैं वो पहुँच रहे हैं। अंकल, आम आदमी पार्टी लगातार बदलाव रैली यहाँ पे कर रही है, आप किस तरीके से देखते हैं? आम आदमी पार्टी आज हरियाणा का एक बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है और हमें पूर्ण विश्वास है कि आगामी चुनाव में हमारे इस हलके से, कलायत हलके से श्री अनुराग ढांडा भारी बहुमतों से विजय प्राप्त करेंगे, क्योंकि इनका जो चरित्र है वो बेदाग है, किसी भी प्रकार के सामाजिक कामों में अग्रणी रहते हैं और इनके जीवन में सदैव पवित्रता रही है, हर एक के सुख दुख में काम आते हैं, और ये जैसे आम आदमी पार्टी का नाम है, ये भी आम आदमी से जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी बिरादरी का हो, सभी लोगों के बहुत प्यारे हैं, इसलिए अनुराग ढांडा के प्रति सबका विशेष अनुराग है। अनुराग का अर्थ प्रेम, जैसा इनका नाम अनुराग वैसे इनके काम भी अनुराग से भरे हुए हैं। हमें पूर्ण विश्वास है बहन जी कि भारी बहुमतों से विजय प्राप्त करेंगे और हो सकता है कि जिस प्रकार से केजरीवाल जी दिल्ली में मुख्यमंत्री हैं, तो ये अगर भारी बहुमतों से विजय प्राप्त करते हैं तो हरियाणा के मुख्यमंत्री भी बनेंगे। एक एक करके हम बात करते हैं। बाबा, कैसा बदलाव चाहते हैं आप? बदलाव आम आदमी पार्टी के लिए चाहते हैं, बहुत बढ़िया स्वास्थ्य शिक्षा का, हाँ जी, और भी बहुत सारे। आपने कई पार्टियां देखी, कई चुनाव देखे आपने हरियाणा में, जो इस बार चुनाव होने जा रहे हैं, ऐसा माहौल पहले कभी देखा था इतनी पार्टियां? क्योंकि आमतौर के ऊपर यहाँ पे पुरानी पार्टियां चलती आई हैं, अब जो माहौल है वो कितना अलग है पहले चुनावों से? पुरानी पार्टी सभी देख लीजिए, आम आदमी पार्टी बढ़िया पार्टी है जो स्वास्थ्य शिक्षा पे ध्यान दे रही है। स्वास्थ्य शिक्षा आप अहम मानते हैं बाबा? जैसे बाबा ने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा बड़ा अहम मुद्दा है, आप क्या समझते हैं बाबा?
ठीक है जी, माहौल बढ़िया बन रहा है। आम पार्टी ने जाना चाहवा हम दो इसी पूछ नहीं करे हल्का में इस करके बढ़िया काम करना करके बढ़िया माहौल बन रहा है। हम हरियाणा में बदलाव चाहते हैं जी, पाछा देख ली सारी पार्टी, पाछा बीजेपी देख ली, कुछ नहीं करे घोषणा, सारी सड़क टूटी पड़ी है, देखो आप कोई विकास नहीं, 4 साल की फौजियों की नौकरी कर दी, 4 सालों में तक क्या बनेगा, 20-20 हज़ार भी बिल के आवा करता पूरे करा 20-20 हज़ार भी किसान बुल पूरे ये फरीद कह रहे हैं देने की दिखा, नहीं बदलाव चाहिए पंजाब में दे रहे हैं, दिल्ली में दे रहे हैं, और क्या चाहिए आम आदमी, तो यही चाहिए जी। अच्छे स्वास्थ्य मिलेगा तो अपने आप नहीं बच्चे नौकरियों पे जाएंगे, अपने आप सारी व्यवस्था संभाल लेंगे, ये तो करते ही कुछ नहीं है, जनता का बेवकूफ़ बना देते हैं। सो बदलाव चाहते हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य एक ऐसा मुद्दा है जिसमें वो बड़ा बदलाव चाहते हैं। कैमरामैन रजिंदर के साथ कैथल से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।